तो दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसका सारा अपडेट कर दिया गया है कि कहाँ पे आपको जाकर एडमिशन कराना है, कितना बजे एडमिशन कराना है और कौन सा यूनिवर्सिटी का किस किस दिन एडमिशन, किस टाइमिंग पे करना, ये सारी बातों को अपडेट कर दिया गया है। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकादराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्राइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो हो सके तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर सारा जितना भी आपका कॉलेज है, कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में, उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करना, वो सारा बातें बताया गया है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि आपका जो कॉलेज है वो अलॉटेड हुआ है, जो कॉलेज वो कॉलेज अब मान लेते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दोस्तों देखते हैं ये रहा, यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसका कॉलेज नंबर दिया गया है 31, यानी कि टोटल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल प्राइवेट, कंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, ये तीनों कॉलेज मिलाकर टोटल 31 कॉलेज है। तो इन सभी 31 कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा आपका एड्रेस है, जो एड्रेस है एकेडमिक ब्लॉक नियर मीठापुर बस स्टैंड AQU, यानी कि AQU का जो ऑफिशियल आपका यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पर आपको कराना होगा। मतलब दोस्तों कि आपको जो भी कॉलेज अलॉटेड होगा उस कॉलेज के जो भी यूनिवर्सिटी है आपको उसी जगह जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। सपोज से एक और ले लेता हूँ, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, तो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के अंदर टोटल 47 कॉलेज है। ये सभी 47 कॉलेज का जितने भी स्टूडेंट हो जिनको सेकंड काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो सभी को आपको कहाँ पे आना होगा, तो ये रहा आपको एड्रेस जो है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन DDE बिल्डिंग मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, आपको इस एड्रेस में जाना होगा, वहां से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। और तो इसके बाद जस्ट एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज का कौन सा डेट में, कौन सा टाइमिंग में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट इसके बाद आपको वीडियो आएगी, तो उस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ तो मेरे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड हो या बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल बात कर सकते हैं। अब तो मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बना दिया था, यहाँ पे गर्ल्स का, बॉयज का, बीएड का, डीलेट का ग्रुप अलग है, तो आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और तो बात रहा कि अगर आपको सेकंड काउंसलिंग थ्रू कॉलेज नहीं मिली है तो आप लोग घबराइए मत, थर्ड राउंड एंड जो लास्ट होता है स्पोर्ट राउंड, तो स्पोर्ट राउंड के लिए मैं आप सभी के लिए कुछ कॉलेज में बात किया हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना तो प्लीज आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, पटना, गया, हाजीपुर, इन सभी कॉलेज में कुछ कॉलेज में कंसल्ट है, तो इसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फिर तो बातें आगे दोस्तों जहाँ पर देख सकते हैं, और मैं बताता हूँ कि अगर किसी प्रकार कोई भी गड़बड़ियाँ होती है तो जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के सामने हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट आप कॉल करके कोई भी गड़बड़ियाँ है या तो इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा आपको सुविधा दिया जा रहा है, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर है, इंक्वायरी नंबर है, आप उन पर कॉल करके सारा इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल बिहार में 13 यूनिवर्सिटी है, इन 13 यूनिवर्सिटी का सारा एड्रेस दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ आप सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों का व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।